विक्रम बत्रा, आपने मूवी देखी हो शेरशाह, तो उनका। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज है ट्यूसडे, नहा धोके तो मैं हो गया रेडी और पूजा भी कर ली। तो और आज है वुमेन्स डे, तो सबसे पहले मम्मी को विश करते हैं। मम्मी हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू। अब क्या गिफ्ट चाहिए तुम्हें? मेरे को तो कुछ ना चाहिए, बस हम खुश चाहिए। देख रहे हो मम्मी को तो कुछ ठीक है। ठीक है, मम्मी के लिए कोई ना कोई गिफ्ट लाएंगे आज। और बाकी हैप्पी वुमेन्स डे मम्मी। मैं तो कामयाब हो जा, मन तो यार सब कुछ मिल जाएगा, बस तुम साथ में, फिर तो हो ही जाऊंगा पक्का, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो गाइज आज घूमने चलेंगे इंडिया गेट। इंडिया गेट पे मैं तो बचपन में आया था और तब याद भी नहीं। तू आया हुआ पहले सुमोल? सुमोल भी नहीं आया। तो आज देखेंगे सबसे पहले क्या होती हैं चीज़ें। चलो चलते हैं यहाँ पे पटियाला हाउस के, यहाँ तो हमने पार्किंग लगा दी क्योंकि इंडिया गेट पर तो है नहीं, तो अब यहाँ से पैदल पैदल चलेंगे और देखते हैं। सबसे पहले तो ये एक चीज़ बनी हुई है, ये पटियाला हाउस की यहीं पर बनी हुई है, भारतीय तट रक्षक, ये शिप टाइप बना रखी है और हेलीकॉप्टर भी। इसके बिल्कुल सामने ये है इंडिया गेट का सर्कल। चलो चलते हैं और देखते हैं। फाइनली पहुंच तो गए हैं, पीछे इंडिया गेट है। मोबाइल देख लिया? और चलो चलते हैं, देख के आते हैं, पूरा घूम फिर के आते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। बाकी मैंने तो ये सुना है कि यहाँ पे नाइट में शो होता है बढ़िया। अभी तो फिर हम तो आए हैं दिन के टाइम, अभी तो कुछ होगा नहीं, फिर भी घूम के आते हैं देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ये आ गए इंडिया गेट पे। बाकी यहाँ से तो बस यहाँ से साइड साइड से होते आ जाओ चेकिंग करवा के, यहाँ से तो आना अलाउड नहीं है। ये तो शायद परेड परेड वगैरह के लिए खाली छोड़ के रखते हैं, है ना, या कोई आता होगा जब उस टाइम पे। और आगे चल देख के आते हैं ये हो रहा है इंडिया गेट के जस्ट सामने नेशनल वॉर मेमोरियल, इसमें और घूम के आते हैं, इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो गाइज ये हमने एंटर कर लिया है वॉर मेमोरियल, यहाँ देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे तो सिंपली एक ये इसे क्या बोलते हैं, एनवलम, एक एनवलम है ये। अच्छा ये सारे शहीदों के नाम लिखे हैं, चलो ये भी देख के आते हैं। हाँ मेरे दादा भी आर्मी में थे ना उस टाइम पे, क्या कहते हैं जब वॉर चली थी, तो कहीं मेरे दादा भी थे उस टाइम। हाँ तेरे को याद नहीं है? जगराम, जगराम से नहीं भाई जी, से अपने दादा का नाम याद है। भाई जी देखो एक सिस्टम लगा रखे हैं यहाँ पे, यूज डिजिटल इंटरेक्टिव स्क्रीन टू लोकेट द मैट्रीज ऑन आवर वॉल्स। अच्छा इसमें क्या कर सकते हैं, रजिस्टर टू पे होम पेज, बस यही सिस्टम था, पे ट्रिब्यूट। अच्छा दे तो गाइज यहाँ पे ये सिस्टम है कि आप अपना फ़ोन नंबर डालो, नाम डालो और एक OTP आएगा आपके पास और वो कंफर्म करती है आप एक ट्रिब्यूट दे सकते हो सभी शहीदों को, ये भी अच्छी चीज़ है। तो गाइज चलो यहाँ पे होके आते हैं सर्कल ऑफ ब्रेवरी में। ये सबसे पहले है बैटल ऑफ लोंगे वाला, बैटल ऑफ लोंगे वाला बना रखा है, ठीक है, इसके बारे में बता रखा है कब लड़ाई लड़ी गई और क्या क्या चीज़ें हैं। और इसके बाद है बैटल ऑफ गंगा सागर, तो इसके बारे में सब बता रखा है। सारे बैटल से रिलेटेड हैं कि सैनिकों ने कहाँ पे क्या क्या लड़ाइयाँ लड़ी और क्या क्या जीती। ये बैटल ऑफ सिथवाल, नेक्स्ट ये आई थिंक ये टैग्स और वो मिलते हैं सत्यमेव जयते, भारतीय वायुसेना सत्यमेव जयते। ये अमर जवान ज्योति जल रही है बीच में संबोधित करने के लिए हमेशा। और नेक्स्ट है रेजांगला की लड़ाई, नेक्स्ट है ये रेजांगला की लड़ाई।
और इसके बाद है ऑपरेशन मेघदूत। ठीक है, ऑपरेशन मेघदूत। यह है ऑपरेशन ट्राइडेंट। गाइस बस ये यहीं तक है। अब चलो चलते हैं ऊपर। गाइस यहाँ पे एक चीज़ और है, ये देखो एक हमारे जवान यहाँ पे हमेशा खड़े रहते हैं और हमेशा यहाँ पे रेगुलर सफाई चलती रहती है और अमर जवान ज्योति तो हमेशा जलती रहती है यहाँ पे। गाइस एक ये है भारत पाकिस्तान विवाद, ठीक है, लगा हुआ है यहाँ पे जस्ट बिल्कुल इसके सामने। और ये बाकी यहाँ पे नेम्स लिखे हुए हैं कौन कौन शहीद हुए थे, सबके नाम, बैच नंबर, मतलब ए टू जेड सारी डिटेल लगी हुई है और इवन रोज़ भी समर्पित किए हुए हैं। ये अच्छी चीज़ है, सब मेरे ख्याल से सबके नाम लिखे हुए हैं ना समोर। ये देखो यहाँ से ये पूरा सर्कल है ना, ये घुमा के पूरा घुमा के लिखा हुआ है, कम से कम हजारों जवानों के नाम है यहाँ पे। हजारों नहीं, लाखों है ना, लाखों होंगे। एक बैज पे ही हजार हो सकते हैं, लगा लो। एक मैं गिन के बता, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हैं। 10 की ये लाइन भी होगी कम से कम, मेरे ख्याल से 100 की तो होगी, तो हजार तो यहीं हो गए, कम से कम लाखों सिपाहियों के नाम लिखे होंगे। तो गाइज अब यहाँ से नीचे चलेंगे, यहाँ पे स्मारिका बनी हुई है, इसमें और देख के आते क्या क्या चीज़ें यहीं थी। ये एंट्री है स्मारिका में, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ये सारा वॉर से रिलेटेड बना हुआ है, ये बुक्स है। तो गाइस ये तो एक म्यूजियम नहीं है, ये सामान खरीदने की जगह है स्मारिका में। तो ये आर्मी से रिलेटेड सामान था, किसी को खरीदना है तो खरीद सकते हैं, और वीडियो बनाना अलाउड नहीं कर रहे थे इसलिए थोड़ा बहुत मैंने आपको दिखा दिया। गाइस एक लास्ट चीज़ हो रही है यहाँ पे, एक ये है हाजी पीर की लड़ाई। इस साइड बस ये स्टेयर है और यहाँ पे एग्जिट है, चलो चलते हैं गाइस। तो गाइस अब चलेंगे हम परम योद्धा स्थल में। तो यहाँ पे स्टैचू वगैरह हैं जिनको परमवीर चक्र और जो शहीद हुए हैं ना उनके हैं। तो यहाँ पे सबसे लेटेस्ट है इनका विक्रम बत्रा, आपने मूवी देखी हो शेरशाह, तो उनका स्टैचू भी है यहाँ पे। तो चलो सबसे पहले मैं आपको वही दिखाता हूँ, यहाँ पे स्टैचू लगे हुए हैं सबके जिन जिनको परमवीर चक्र मिला हुआ है। ये देखो गाइस, ये हैं, ये रहा सबसे पहला कैप्टन विक्रम बत्रा, आपने मूवी भी देखी हो शेरशाह, ये हैं वो, उनका यहाँ पे पुतला स्टैचू बनाया हुआ है कैप्टन विक्रम बत्रा। जय जवान जय किसान। तो चलो आगे और घूम के आते हैं। राइफलमैन संजय कुमार, परमवीर चक्र। गाइस बहुत बढ़िया बना रखा है स्टैचू और सबको रिस्पेक्ट देने के लिए। नेब सूबेदार बन्ना सिंह, परमवीर चक्र। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखोन, परमवीर चक्र। और गाइस यहाँ पे सारे आसपास ऐसे ही सब योद्धाओं के स्टैचू बना रखे और उनके बारे में लिखे हुए हैं, किस सन में उन्होंने लड़ाई की थी, किस सन में क्या हुआ था और सबको डिटेल। ये बिल्कुल पड़ता है इंडिया गेट के जस्ट साथ में ही, ये आपको दिखाता हूँ, ये इंडिया गेट है और साथ में ही है जस्ट, आप आओ तो देख के जा सकते हैं। और एक ये स्टैचू कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह, परमवीर चक्र। तो गाइस चलो चलते घर पे, इंडिया गेट और यहाँ के आसपास की सारी चीज़ें देख के अब चलते घर की तरफ वापसी। अब कितनी देर, हमें 1 घंटा लग जाएगा पहुँचने में ना। तो गाइस हमें 1-1.5 घंटा लग जाएगा घर पहुँचने में, मेरी तो हालत बुरी होगी, थक चल चल के थक गया मैं तो। सुमोली गाड़ी चलाएगा, मैं तो आराम से सो जाऊँगा या तो।
तो गाइस पहुंच गए हैं धौला कुआ और अभी भी हमें कम से कम 40-50 मिनट लगेंगे, उसके बाद पहुंचेंगे। दिल्ली में तो काफ़ी जाम रहता है, बहुत ज़्यादा जाम, पूरे जाम ही जाम में हो गया है, 1-1.5 घंटा लगे निकलते निकलते, पता नहीं आज ही इतना जाम है। सुबह ज़्यादा था, सुबह इससे भी ज़्यादा था, तो चलो फिर भी कम है। सुबह तो ये लगा लो बिल्कुल खड़ा जाम था वापसी आते टाइम, अब फिर भी ठीक है। तो गाइस आज मम्मी के लिए कोई गिफ्ट तो नहीं लाया मैं, बट ये है कि एक चीज़ करेंगे आगे, मम्मी की हेल्प करेंगे काम में, जब भी टाइम रहेगा तो मम्मी की हेल्प जरूर कर देंगे, सबसे बढ़िया चीज़। तो आज वुमेंस डे पे ये जरूर चीज़ करेंगे। तो गाइस आज के ब्लॉग को करते हैं एंड, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय एंड गुड नाइट।